Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. In a video that went viral yesterday, we see a young man, Lukman Khan, being dragged out of his vehicle on the suspicion of carrying cow meat just few kilometers outside the national capital of Delhi. He was beaten with a hammer. And in the video, we also see people standing by, including the police, who saw the perpetrators forcing Lukman to chant Jai Shri Ram and yet did nothing. In a chilling reminder to the Dadri lynching case, the police were quicker to send the meat for testing than arrest the perpetrators whose faces are clearly visible in the video. Let's take a look at what Lukman has to say. Mere saath Badshahpur se Badshahpur mein rukwa rahe the log gaadi ko maine nahi roka aaram se main nikal gaya wahan se ना ज़बरदस्त मैंने जिसका मैं मीट लेके जा रहा था भैंसों का मैंने उसके पास फ़ोन किया ताहिर के पास उससे प्रधान कहते हैं वहाँ मैंने प्रधान मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया यहाँ पे 10-20 जने मुल्ले उल्ले कह रहे हैं मुझसे और तुम आ जाओ यहाँ पे वो बोला तू सीधा सट गाड़ी को मार्केट लेके आ जा सदर बाज़ार जुम्मा मस्जिद मैं आप जानता हूँ मैं वहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँचने के बाद मैडम उन लोगों ने मेरे को दोनों शीशा फोड़ दिए चारों दोनों साइड के दोनों वो निकाल के पटक के हथौड़ी से सरिया से जम मारा मेरे को सर में 25 टाँके के कितने टाँके हैं पीछे को सर में अच्छे से मारा उन लोगों ने फिर मार कूट के फिर पेट नहीं भरा उन लोगों का फिर मेरे को पटक के बादशाहपुर लाए के वो भाउंड से लाए मुझे कुछ नहीं मालूम और पुलिस भी थे वहाँ पे पुलिस सदर बाज़ार में थी दो जन थे उनको गाड़ी को उतार दी एक सरदार था सदर बाज़ार में उसके थप्पड़ मारा है भीड़ काफ़ी थी पर नहीं मानी और भीड़ से कोई हेल्प नहीं किया कोई हेल्प नहीं मैडम बस वो खाली कह रहे मुल्ला है मुसलमान है मारो कुछ नहीं होने वाला तो मैडम वो मेरे को ले आए वहाँ पे ले आए तो वो मेरे को पिकअप में मार रहे थे पीछे को मीट में मैं बोला भाई चेक कर लो एक ये मीट किस चीज़ का है अगर ये जिस चीज़ का तुम समझ रहे हो अगर उसका हो तो मुझे यही जान से मार देना तुम ज़्यादा जोर दाने की ज़रूरत नहीं है मैंने उनको ज़बरदस्ती तिरपाल से ढकते हैं उसको मैंने उनको उघाड़ के दिखा दिया वो मीट उसमें चार तो सर थे भैंसों के और 16 पैर थे और वो बट भी थी ओझड़ी बोलते हैं जिससे और उसके खाप बदन पे जैसे रहता है बदन पे खाल भी लगी हुई थी वो मैडम नहीं माने वो बोले बेटे मुसलमान है मारो इसको बोले बोल जय श्री राम मैंने कहा यार जय श्री राम का क्या नारा है यार मैंने कहा भाई मान जाओ यार अब तो बहुत मार ले छोड़ दो बोल जय श्री राम मुल्ले बोल जय श्री राम मैंने यार मत बुलवाओ यार जय श्री राम क्यों हमें अपने उसके सामने वो कर रहे हो शर्मिंदा मजहब के सामने मैडम वो नहीं माने मेरी जेब में 20,000 रुपये तो शायद ऊपर की में रखे थे ये लवर में और एक मोबाइल था मेरे जीजा लाए थे मुझे किस्तों पे तो वो भी था मेरे पास 16-17,000-20 का तो उन लोग वो निकाले पह रहे थे फिर जो अंदर की टांडी है गाड़ी में जहाँ टैप लगा हुआ था स्पीकर उसमें 50,000 रुपये लॉक लगा के रखता हूँ मैं अब चाबी तो उनके पास थी तोड़ा था कि चाबी थी एक RC थी पर्स में एक लाइसेंस था एक आधार कार्ड था कागज़ भी थे सारे गाड़ी के बिल समेत सब कुछ कागज उसमें कोई दो नंबर का काम तो है नहीं हमारा मैडम एक नंबर का काम है तो मैडम उन लोगों ने सुनी नहीं कुछ भी मेरी मारते बने बस लात घूसा रोड सरिया हथौड़ी फिर मुझे ले जा रहे थे वहाँ पे कहाँ फूंकते हैं चींटों में शमशान घाट बोले ले चलो मुल्ले को साड़े को शमशान घाट में आग लगाएंगे इसको है तो मुल्ला ही मोदी सरकार क्या होने वाला है वो घनी दूर ले गए फिर मारते छेड़ते फिर चार जन आए थे वो बोले यार इसको मत मारो छोड़ो भी इसको ज़्यादा पीट दिया और ये भैंस का मीट है इसमें हम फंस जाएंगे वो आपस में बात हाँ आपस में अब छोड़ दो यार गाड़ी मुल्ला वो दयाल का किसका है वो गाड़ी चला रहा था मेरी क्या नाम था उसके बाप का दयाल था क्या तू मान जा दयाल के क्या दयाल उसका नाम था इतना सिर्फ याद नहीं मुझे
और मारा बहुत बेरहमी से मैडम। फिर चलती हुई गाड़ी में से उन लोगों ने मेरे को मार पीट के ना चलती हुई गाड़ी में से चारों ने पकड़ा मेरे हाथ पैर को, फेंक दिया। कोई बात नहीं मैडम, मारते रहे मैं। फिर वो संजय नहीं है MLA सोने का पुजीनिया, वो आया, मुझे पता भी नहीं, उन लोगों को आया मंत्री आ गए, मंत्री मुझे क्या आया? हाँ MLA वहाँ पर आया बाकायदे। MLA ने एक बार उनसे ये नहीं कही कि तुम इसे मत मारो, जैसे उसका सम्मान देना चाहिए उसको पब्लिक को, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो MLA आए और आपको देखा और कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, उसने मीट भी देखा, मीट भैंस का था मैडम। उसी ये कहाँ पे था? ये कहाँ पे था एग्जैक्टली? ये मेरे को याद नहीं, जब मैडम मुझे सदर बाजार से मार थे लाए, सर में चोट दे ली थी और पूरा मुझे नहीं पता, ये बादशाहपुर का कि भोंडसी का, पब्लिक ही बता रही है कहाँ का था, वो वीडियो में है। पर संजय ने एक बार ये नहीं बोला तुम इसको मत मारो, एम्बुलेंस बुलाओ, जैसे भी बिरादरी लाइन की बात करते हैं, उसने कुछ नहीं की। जैसे MLA बना रखे हैं आज के, हो बस उनका तो यही कहना था मुल्ला है मार दो, BJP सरकार है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर ये बोला वो एक जन पिकअप में गांधी जी को गाड़ी दे के उल्टा सीधा बोल कर के, यार वो बसा गया इन लोगों को, मुसलमानों को यहाँ, मुल्लों को 1947-1947 में, नहीं तो जा रहे थे वहाँ पाकिस्तान, वहीं रहते। मैंने कहा यार सबका हक के देश में रहने का, ऐसा कुछ नहीं भाई। तो वैसे भी अब गांव में डर है, ये आपको पता है, पहले आपको पता है कि कौन से ग्रुप से थे, कोई पर्टिकुलर ग्रुप से नहीं, थे? नहीं, मैंने पहली बार ग्रुप में कौन थे है, ग्रुप। बजरंग दल वाले बन रहे थे वो, बोले हम बजरंग दल वाले। मैं बोला यार मैंने क्या बिगाड़ा यार भाई तुम्हारा, कंटिन्यूज काम से। उनसे पहले मुलाकात हुई है कभी? नहीं, नहीं, कौन नहीं, से इस गांव में रहते हैं कि वहीं के हैं? कहां कहां के बन रहे थे? हाँ बादशाहपुर के हैं, कुछ ये राजस्थान के हैं जी। गांव में अभी डर है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? डर कुछ नहीं है जी, घर डर ये है कि जी वो तो बस ये कहते हैं मोदी सरकार मार दो मुल्लों को, कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं मैडम एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मुसलमान और हिंदू तो हैं दो जात इस दुनिया में, और तो नहीं है। तो मैडम थोड़ा हमारा भी हक है इस देश में, हमने कोई इतना बुरा तो नहीं कर दिया इस देश के बारे में? हाँ मुसलमान इतना बुरा नहीं है इस देश के बारे में, तो ये क्यों इन लफ्ज़ को निकालते हैं बार बार? हाँ मार दो मुल्ले गोली है मेरे पास, एक के पास हथियार था उनमें से, मार दो मुल्ले की गोली है, गोली मार दो यार भाई, जब भी तुमने मार दिया अब क्या मारोगे, मार दो यार भाई, यहाँ से क्या मारोगे। मैंने मीट भी चेक करवा दिया मैडम बार बार, फिर भी वो लोग, जब मीट अगर गा का हो तो जब भी तो मुझे मारते ना वो, जब मैंने मीट उनको चेक करवा दिया। और आपने बोला अगर गाय की मीट है तो मुझे जान से? हाँ मैंने बोला उनको, मैंने अगर गाय का मीट निकल जाए भाई मुझे यही मार दो आप, मैं पेपर पे साइन कर दूंगा तुमको, मुझे घर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यार भैंस का मीट है भाई, एक बार चेक तो कर लो, अगर इस मीट को भी मैं कोई दूसरा बनाऊँ तो मैंने सैंपल भरवा दो आप यहीं से। मैं गलत बोल रहा हूँ मैडम, मैं गलत बोला उनको। और पुलिस कब आए थे आप? पुलिस सदर बाजार में तो धमका दिया मैडम, जब जहाँ मैं पटका वो भोंडसी के बाद छेरे मुझे पता है, पुलिस वाला एक एक करके दो दो करके आ दो धमकाते रहे पुलिस वाले को। जब मैं पुलिस वालों ने मेरी पिकअप में बिठा दिया ना, सामने का शीशा बचा हुआ था मेरा, तो उसमें वो जोर जोर से पत्थर मारे ना, तो उछट के मेरे ऊपर लगने लगे। पुलिस वाले डर गए कि मर जाएगा थोड़ा बहुत इसमें जान, तो उसने मैं अपनी गाड़ी में लुटा ली, मैं हो गया बेहोश। तो एक पुलिस वाले को मारा उन लोगों ने थप्पड़, बहुत बुरा। पुलिस ने आपको थप्पड़? उन्होंने पुलिस को थप्पड़? उन्होंने पुलिस को थप्पड़ मारा। पुलिस ने मेरी हेल्प की, फिर भी पुलिस का शीशा तोड़ दिया है, पुलिस का शीशा तोड़ दिया था। तो वहाँ पे फिर भी उन लोगों ने खिड़की खींच के ना मेरा पैर खींचा, फिर वो ड्राइवर था जो पुलिस वाला बेचारा, बहुत हमदर्दी में था वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके भाग गया, मेरे को इतना याद है। वो लाया मेरे को घामडोज बस। आपको कब पता चला, आपको किसने फ़ोन किया, आपको कैसे खबर मिला? कुड़गांव में मैं जी एक लियाकत रहता हमारे गांव का, उन्हों की वहां पर दुकान है मीट की, तो उन्होंने मेरे पे फ़ोन करा कि भाई जो आपका भतीजा है उसको हथौड़ों से और सरियों से जान से मार दिया। मैंने कि भाई फिर वाह बचाओ, वो बचाने के लायक ना। आप यहां थे गांव? हम गांव में थे, हम घासड़े में, फ़ोन आए मैंने कि भाई उसको बचाओ, नुक भाई वो छोड़ के नहीं जा गए और उसको अपने साथ ले गए। तो मैंने कि कहाँ ले गए, उन्होंने कि हमने कुछ पता नहीं कहाँ ले गए। अब हम सोच में मैडम
यहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट करी सोने चौकी भोंडसी चौकी बादशाहपुर चौकी। तो बादशाहपुर चौक भोंडसी चौकी में एक आदमी ने ये कही कि भाई ठीक है वो तुम्हारा बंदा है तो गया, बाकी यहाँ नहीं। फिर बादशाहपुर पहुँचे जी हम, बादशाहपुर में इंस्पेक्टर और 15-20 पुलिस वाले थे। हमने कही भाई हमारे बच्चे को जिंदा मरा कैसे भी दे दो। उन्होंने कही भाई दे देंगे हम, हमारे पे ही आपका लड़का और आप घबराओ मत। उसके आधार पे हम वहाँ से मैम गए हैं, उन्होंने कही भाई आप वहाँ चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल। गए मैम हम वहाँ पर, हमारा बच्चा वहाँ औंधा पड़ा था, खूनों से लथपथ। बस फिर वहाँ से वो एसपी भी सभी है वहाँ, मीडिया भी वहाँ से, इनका ट्रीटमेंट करके हमने की हम अपने बच्चे को हॉस्पिटल प्राइवेट में दिखाएंगे। वहाँ से लेके आ गए हम सोना वरदान हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट कर दिया हमने। वहाँ पे एक पुलिस वाले ने हम पे दबाव बनाया कि भाई हम पे ऊपर से दबाव है, आप इसको बड़ी हॉस्पिटल में दिखा दो। हमने कि हम गरीब आदमी हैं, हम इसी में दिखाएंगे। कुल मिला के वहाँ से भी डिस्चार्ज करवा दिया उसने, वो प्रवीण डॉक्टर था उस हॉस्पिटल में से। फिर जब डिस्चार्ज कर दिया हम इसको अपने घरे ले कर के, भाई मरेगा तो घरे तो मर जा। उसके बाद में विदेशी हकीम पे होने इसके हाथ पैर जुड़वाए हैं और इस तरह हम अपने बच्चे तक पहुँचे। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी न्याय मिलना चाहिए कि ये जुलूम है, जुलूम है। मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है। Contradicting media claims, Devendra Kumar, sub-inspector at Badshahpur police station, said that the meat is still under police supervision and will only go for testing on the next working day, which is Tuesday. पुलिस ने उसको विक्टिम में बचाया है, विक्टिम को बचा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। उनकी स्टेटमेंट दर्शाया गया थी और आरोप जारी कर दिए। और जब घटना हो रही थी उस वीडियो में पुलिस भी है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने फोन किया नहीं। फोन कहता मतलब पुलिस तो अपना कार्य कर रही थी, अपनी पूरी तत्परता से कर रही थी, जितनी फोर्स थी उसको लेकर अपना पूरा कार्य कर रही थी। और As you can see, we are with Lukman, who is in his home state Haryana. While he should have been celebrating Eid, he is lying in a bed fighting for